नमस्कार, मेरा नाम बबलू पटेल है। आज की क्लास में हम जानेंगे टीवी में जितने भी रेगुलेटर होते हैं उन सभी रेगुलेटर के बारे में कि कौन सा रेगुलेटर किस आईसी को सप्लाई करता है या फिर कौन सी वोल्टेज किस आईसी को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कई सारे रेगुलेटर होते हैं, जैसे कि हमारी कॉइल लगी हुई है, जहाँ पर कॉइल होती है वो एक रेगुलेटर होता है हमारा। जैसे कि यहाँ पर भी एक रेगुलेटर है, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, ये भी हमारे एक रेगुलेटर का ही काम कर रही है। लेकिन ये समझने से पहले हमें कुछ डायग्राम से समझना पड़ेगा, जिसमें हम समझने में आसानी होगी। यदि ये रेगुलेटर हमारा ख़राब हो जाता है, यदि ये रेगुलेटर मान लिया हमारा ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर कौन सा बक कन्वर्टर हम उसको यूज कर सकते हैं, और वो बक कन्वर्टर जैसे कि आपकी आईसी है, आपकी नहीं मिल रही इस नंबर की आईसी, तो आप जो बक कन्वर्टर होते हैं वो सारे यूनिवर्सल होते हैं, मतलब आप उसे किसी भी टीवी में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि ज़्यादातर हमारे जितने भी एलईडी टीवी बोर्ड होते हैं उनमें कॉमन वोल्टेज होती है 12 वोल्ट, जो मदरबोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब कई और भी बोर्ड होते हैं जिनमें 5 वोल्ट भी यूज होता है हमारा। ठीक है, स्टैंड बाई के तौर पे मदरबोर्ड के लिए यूज होता है, किसी में हो सकता है 18 वोल्ट हो, अलग अलग डिपेंड होता है बोर्ड के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर टीवीओ में जो कॉम्बो बोर्ड वगैरह आते हैं उन सभी में 12 वोल्ट पे ही मदरबोर्ड हमारा काम करता है। तो वो जो 12 वोल्ट होती है वो पावर सेक्शन में हमारे एक डायोड लगा होता है, कॉमन कैथोड डायोड के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारे दोनों पॉइंट होते हैं ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से डीसी आउटपुट होती है 12 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट सेक्शन में पावर सेक्शन में दो डायोड आपको मिलते हैं, जो एक 12 वोल्ट हमारा मदरबोर्ड के लिए यूज किया करता है, और दूसरा जो होता है वो एलईडी बैकलाइट के लिए यूज किया जाता है। अब इस 12 वोल्ट को लेके आगे जो होता है मेरी एक आईसी लगी होती है, तो उस आईसी जो होती है ज़्यादातर 6 पिन की आईसी होती है, तो ये आईसी क्या करती है इस 12 वोल्ट को लेगी और ये 5 वोल्ट बना के आगे भेजेगी। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर हम कह सकते हैं इसको, ये 12 वोल्ट रिसीव करेगी पावर सेक्शन से और उसको 5 वोल्ट बना के भेजेगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो 12 वोल्ट जो हमारे ये आईसी का काम क्या है, 6 पिन वाली आईसी का रेगुलेटर का, ये 12 वोल्ट लेगा और 5 वोल्ट बना के आगे भेजेगा। अब इस 5 वोल्ट को एक हमारी आईसी और लगी होती है, ज़्यादातर 5 पिन की आईसी होती है, तो ये फाइव वोल्ट हमारी 5 पिन वाली आईसी पे जाता है। अब ये आईसी क्या करती है, हमें यहाँ से एक वोल्टेज रेगुलेट बना के भेजती है जो होती है 1.23 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज हमारी किस लिए यूज होती है, हमारे टीवी के अंदर एक एमसीयू लगा होता है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, एज एम प्रोसेसर कह सकते हैं उसको, जो पूरी टीवी को कंट्रोल करता है। तो ये इस 5 पिन आईसी का काम क्या, 5 वोल्ट लेगा और 1.23 वोल्टेज रेगुलेट करके प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यही जो 5 वोल्ट होता है, ये जो 5 वोल्ट होता है, एक आईसी और लगी होती है, जो उस आईसी का हमारा कई किसी में 5 पिन का होता है हमारा, ठीक है, किसी में 3 पिन की आईसी यूज की जाती है, ये 3 पिन की मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये 3 पिन वाली आईसी पे जाएगा ये 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट क्या करे, 3 पिन वाली आईसी क्या करेगी, उसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी, मतलब रेगुलेट कर देगी। तो ये जो सप्लाई है हमारी 3.3 वोल्ट हमारे एमसीयू के लिए चली जाएगी, मतलब ये दोनों ही सप्लाई हमारे प्रोसेसर को चाहिए, एमसीयू को चाहिए, जो हमारे टीवी के अंदर बोर्ड लगा होता है इसे कोर वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और ये जो होती है हमारी ये उसकी मेन उसकी वर्किंग करने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर 5 पिन वाली आईसी क्या कर रही है, 5 वोल्ट लेके 1.2 वोल्ट में रेगुलेट कर रहा है, और 3 पिन वाली आईसी क्या कर रही है, 5 वोल्ट को लेकर 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। अब इसके अलावा यही 5 वोल्ट एक और आईसी लगी होती है 3 पिन की, किस कई बोर्डों में क्या होता है, ये 3 पिन की आईसी यूज की जाती है, कई बोर्ड में एक 8 पिन की आईसी लगा दी जाती है। वो आईसी का क्या काम होता है, रैम की भी सप्लाई बनाती है और हमारे रोम आईसी जो लगी होती है जिसके अंदर टीवी का प्रोग्राम होता है उसकी भी सप्लाई बनाती है। ठीक है, तो ये आईसी क्या करेगी, 5 वोल्ट लेगी। अब ये आईसी हमारी 1.8 वोल्ट जनरेट करेगी, मतलब रेगुलेट करेगी। अब 1.8 किस लिए हमारी यूज की जाती है, रैम के लिए, किस लिए, रैम के लिए, क्योंकि रैम के बिना हमारा डिस्प्ले क्रिएट नहीं होगा,
तो अब किसी में 1.5 भी होती है, कि 1.5 होगी तो DDR हमारी 3 RAM यूज की जाएगी, 1.8 है तो DDR2 यूज हो रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यही 5 वोल्ट आगे हमारी जाती है, तो यहाँ पर भी 3 पिन की IC लगी होती है, ये 5 वोल्ट लेगा यहाँ से और उसे 3.3 वोल्ट में बना के आगे भेजेगा, ठीक है वोल्ट। अब ये किसके लिए होती है, हमारे टीवी में एक रोम आईसी लगी होती है जिसके अंदर प्रोग्राम होता है टीवी का, जब भी हम मेनू बटन हम दबाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पूरा उसका मेनू खुल के आता है, वो सारा प्रोग्राम इसी के अंदर होता है रोम आईसी के अंदर। तो रोम आईसी को काम करने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे 3 पिन वाला जो रेगुलेटर 5 वोल्ट लेके 3 वोल्ट 3 में बना के देगा, और रैम को 1.8 1.5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो 5 वोल्ट को लेके 3 वोल्ट में सॉरी 1.8 वोल्ट में रेगुलेट करके देगा। और सीपीयू को काम करने के लिए यहाँ पर हमारी 2 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, 1.23 और 3.3 वोल्ट, और किसी किसी में 1.1 वोल्टेज भी यूज होती है जैसे स्मार्ट बोर्ड में, ठीक है। तो ये 5 पिन वाली जो आईसी है वो 5 वोल्ट लेगी और 1.23 वोल्ट बना के देगी, और एक 3 पिन वाली और आईसी होगी जो 5 वोल्ट लेगी और 3.3 वोल्ट बना के देगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कई लैपटॉप में, या इन दोनों की जगह पर एक सिंगल आईसी लगी होती है जो 8 पिन की होती है, कितने पिन की, 8 पिन की हमारी आईसी यूज की जाती है, कितने पिन की, 8 पिन की हमारी आईसी यूज की जाती है। या तो ये 2 आईसी लगी होंगी या उसमें एक सिंगल आईसी लगी होती है। तो सिंगल आईसी हमारी क्या काम करती है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से 5 वोल्ट लेगी और यहाँ से 2 सप्लाई बनाएगी, तो 1.8 वोल्ट और 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट देखिए, कई बार होता है कि इसमें 3 वोल्ट अलग अलग रेगुलेटर से बनाई जाती है, कई बार एक ही रेगुलेटर से बनाई जाती है, जैसे 8 पिन वाली लगा दी, यही 3 वोल्ट हमारी जो है एमसीओ को भी चली जाएगी, एमसीओ को भी जाएगा हमारा, ठीक है, और यही 3 वोल्ट हमारी जो है आपकी रोम आईसी को भी चला जाएगा, यदि वहां पर 8 पिन वाली आईसी लगी हुई है। यदि वहां पर 3 3 पिन वाली आईसी लगी होंगी तो हर किसी का रेगुलेटर अलग अलग होता है, तो वहां पर 6 पिन वाली आईसी 1.2 वोल्टेज बनाएगी, और ये आईसी और ये आईसी ये दोनों इसी के अंदर इनबिल्ड हो, मतलब इन दोनों का जो सप्लाई है वो 8 पिन वाली आईसी एक ही जगह से दोनों को जाएगा और 1.8 सप्लाई आएगी। यदि आईसी पर चेक करोगे तो 3 पॉइंट पहले से बन रही होगी, जब टीवी को ऑन करेंगे तो 1.8 सप्लाई बनेगी। तो ये इतने प्रकार के हमारे रेगुलेटर टीवी में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास ये एक बोर्ड है, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा रेगुलेटर ये लगा हुआ है और एक रेगुलेटर ये लगा, और यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है हमारी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाली जो 6 पिन वाली आईसी है ये यहाँ से 12 वोल्ट लेगी डायोड से, ये 12 वोल्ट लेने के बाद इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, किसमें, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, मतलब ये वाली जो आईसी 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। फिर यही 5 वोल्ट आगे चली जाएगी हमारी कितने नंबर पे, 5 पिन वाली आईसी पे। तो यहाँ पर ये हमारी 5 पिन वाली आईसी लगी हुई है, तो 5 पिन वाली आईसी का काम क्या है, 5 वोल्ट लेगी, लेने के बाद सीपीयू की सप्लाई बनाएगी, मतलब एमसीयू की सप्लाई बनाएगी, ठीक है। अब एमसीयू की सप्लाई कितनी होती है, 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 वोल्ट का रेगुलेटर, ये हो गया 1.2 का रेगुलेटर। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये 3 पिन वाले कोई भी रेगुलेटर हमें इस बोर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है ये हमारी 8 पिन वाली आईसी इसमें यूज हो रही होगी, कौन सी, 8 पिन वाली। तो 8 पिन वाली आईसी क्या करती है, 5 वोल्ट रिसीव करती है और 1.8 और 3.3 वोल्टेज बनाती है, जो एमसीयू के लिए सप्लाई चली जाती है और रोम आईसी के लिए चली जाती है, जो उसको काम करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 8 पिन वाली आईसी लगी हुई है, तो ये जो हमारी आईसी है ये हमारी क्या करेगी, 5 वोल्ट रिसीव करेगी और 3.3 सप्लाई बनाएगी, जो रोम के लिए चली जाएगी और सीपीयू के लिए चली जाएगी, मतलब प्रोसेसर के लिए इसके या एमसीयू के लिए। और 1.8 इस आईसी पे दिए, जब हम ऑनलाइन आपको कराएंगे तो इसमें आपको दिखाएंगे कि 1.8 वोल्ट स्टैंड बाई मोड पर आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, और 3.3 आपको इस पे मिल रही होगी। तो वही 3 पॉइंट जो है हमारी रोम के लिए भी जाएगा और एमसीयू के लिए भी जाएगा। यदि किसी में 3 3 पिन के रेगुलेटर लगे हुए हैं तो उसमें 3 वोल्ट के 2 रेगुलेटर आपको मिलेंगे, एक तो एमसीयू के लिए चला जाएगा और एक हमारे रोम आईसी के लिए चला जाएगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि इसमें कोई रेगुलेटर खराब होता है तो हमारी किस तरह की प्रॉब्लम हमारी आती है। जैसे कि यदि यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा मिल रहा है, लेकिन यदि ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर काम नहीं करेगा तो टीवी जो है वो टोटल डेड होगी। 12 वोल्ट आपको मिल रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पावर सेक्शन तो ओके है, पावर सेक्शन ओके। जैसे आप देख रहे हो 5 वोल्ट पे ही पूरा बोर्ड हमारा ऑपरेट हो रहा है, तो 5 वोल्ट सभी रेगुलेटर को जा रहा है और वहाँ से अलग अलग वोल्टेज हमारी बना के आगे भेज रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी जो आईसी लगी हुई है, तो ये आईसी जो है सेकेंड वाली यदि खराब हो जाती है तो आपकी ये सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, मदरबोर्ड या टीवी टोटल डेड रहेगी। तो टोटल डेड में यदि पावर सप्लाई ओके है तो ज़्यादातर 90% तक हमारी जो रेगुलेटर 5 वोल्ट वाले रेगुलेटर आईसी में दिक्कत होती है। यदि ये रेगुलेटर आपका काम कर रहा होगा, ठीक है, ये रेगुलेटर काम कर रहा होगा तो आपकी बैकलाइट जो हमारी पावर लाइट होती है एलईडी की वो ग्लो कर रही होगी हमारी, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है या तो रैम सप्लाई मिस है हमारी, या फिर सीपीयू की जो 1.23 जो वोल्टेज है वो वाली, मतलब ये वाली सप्लाई में प्रॉब्लम है और रैम की सप्लाई में दिक्कत है, ठीक है। तो इस रेगुलेटर के अलग अलग हमारे यूजेज हैं और अलग अलग आईसी को ये सप्लाई देता है। कई बोर्डों में ये 3 पिन वाली आईसी यूज की जाती है, कई में ये 8 पिन वाली आईसी यूज की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि ये रेगुलेटर खराब हो जाता है और मार्केट में आपको ये आईसी नहीं मिल रही है, तो इसकी जगह पर मार्केट में कई प्रकार के बक कन्वर्टर आते हैं। बक कन्वर्टर आते हैं, तो यदि ये आईसी खराब हो जाती है, जैसे कि 5 वोल्ट की आईसी खराब हो गई हमारी, ठीक है, या 1.23 की वोल्टेज खराब हो गई है, या फिर 1.8 वोल्टेज रेगुलेटर खराब हो गया है, या फिर 3 वोल्ट का रेगुलेटर खराब हो गया है, तो यदि वो आईसी आपको नहीं मिल रही है या फिर आपको बार बार मार्केट ना जाना पड़े, तो आप एक बार 10 पीस या 20 पीस आप रेगुलेटर लेके रख लो। क्योंकि तो रेगुलेटर जो बक कन्वर्टर है वो हर किसी टीवी में लग जाता है, उसका ये नहीं कि हम आपको इसी वाले में टीवी, लेकिन आईसी जो होती है वो तो सेम नंबर की लगेगी तभी वो प्रॉपरली काम करेगी हमारी, ठीक है। लेकिन बक कन्वर्टर है वो हम किसी भी टीवी पे लगा सकते हैं, तो आपका आने जाने का जो खर्चा होगा वो आपका बच जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि हर एक रेगुलेटर 10 10 पीस आप रख सकते हो अपनी दुकान पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो रेगुलेटर हैं उनको हम कैसे कनेक्शन करेंगे, किस तरह के कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास दो रेगुलेटर है, कितने, दो रेगुलेटर हैं, तो इनके अलग अलग नंबर हैं हमारे। जैसे ये जो हमारा रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को बोलते हैं सीए, इसका नंबर है CA 1235 1235। इसे बक कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, बक कन्वर्टर है ये हमारे घर, ये दोनों ही बक कन्वर्टर है। ये फिक्स वोल्टेज आउटपुट देगा, ये भी फिक्स वोल्टेज देगा, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो सीए जो हमारा है 1235 है, तो इसमें वोल्टेज मल्टीपल हम बाहर इसको आउटपुट ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, मतलब बोर्ड पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस रेगुलेटर में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर दो पॉइंट है, जो इन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर इन है प्लस और ये हमारा माइनस है इन, ठीक है। तो इस रेगुलेटर में जो वोल्टेज होता है वो लिखा रहता है कि आप कितनी वोल्टेज यहाँ पर इनपुट दे सकते हो। तो इसका इनपुट है 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट, 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट हम इनपुट दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये आउटपुट है, तो आउटपुट में क्या है, प्लस आउट और माइनस आउट, ये हमारा है जो CA 1235, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब हमें इनपुट कैसे, मान लीजिए हमारा कोई रेगुलेटर है, मान लीजिए ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर हमारा खराब हो गया है, 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर खराब हो चुका है, क्योंकि 5 वोल्ट और आउटपुट नहीं मिलेगा तो बाकी के भी रेगुलेटर हमारे काम नहीं करेंगे। तो 5 वोल्ट की जगह पर हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो अब क्या करना है इसे इंस्टॉल करने के लिए, तो इनपुट पर हमें क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा ये 12 वोल्ट यहाँ से जा रही है डायोड से हमारे, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आईसी को आपको निकाल देना है, जो रेगुलेटर आईसी है उसको आप बोर्ड से रिमूव कर देना है, ठीक है। यदि वो लगी रहेगी तो क्या होगा, प्रॉपरली काम
इस रेगुलेटर को या बक कन्वर्टर को नहीं करने देगी, ठीक है। कॉइल लगी रहने देना है आपको, ठीक है। कॉइल हटा भी सकते हो और लगाना है तो लगा भी सकते हो आप, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब हमें जैसे कि अब इसको इनपुट क्या चाहिए, 12 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट वाला हमारा खराब हुआ है। तो यहाँ से जो 5 12 वोल्ट वाला जो हमारी सप्लाई जा रही है वो इसको इस वाले लाइन से ज्वाइंट कर देना है। मतलब ये है कि ये हमारा जो रेगुलेटर है इसमें जहाँ पर हमारा ये इनपुट हो रहा है ये प्लस वाली लाइन है, तो प्लस वाले इनपुट पे यहाँ से एक तार यहाँ सोल्डिंग कर देनी है और इस वाले डायोड के जो 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है वहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। क्लियर है इतना? इनपुट हमने 12 वोल्ट दे दिया है और जो ग्राउंड वाला जो है निगेटिव वाला उसे बॉडी के साथ आप उसको कहीं पर भी उसको ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट में केवल आपको एक ही तार निकालना है क्योंकि ग्राउंड दोनों का कॉमन रहेगा, क्योंकि हम एक ही बोर्ड से लगा रहे हैं। यदि हम दूसरे बोर्ड से लगाते हो तो हमें अलग से ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक ही बोर्ड पे कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड ग्राउंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इनपुट दो होंगे, आउटपुट एक ही लेना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने कहाँ लगा दिया, बॉडी से कनेक्ट कर दिया, मतलब जो भी हमारी बॉडी। अब आउटपुट में इसका हमें यूज नहीं करना है। अब ये वाला तार हमें कहाँ लगाना है, जाकर उसकी कॉइल पे लगाना है। कहाँ पर लगाएंगे, कॉइल पे। अब जैसे कि हमने इस आईसी को निकाल दिया था यहाँ से, और हमने क्या किया, इस रेगुलेटर पर हमने क्या किया कि यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दे दिया और जो प्लस वाला जो हमारा पॉइंट है आउटपुट वाला वो जाके इस कॉइल पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। जो कॉइल लगी है वहाँ पर हम सोल्डिंग कर देंगे। तो ये रेगुलर बक कन्वर्टर क्या करेगा, 12 वोल्ट लिया, ठीक है। अब हमने कहाँ पर लगाया हुआ है, 5 वोल्ट वाले पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैड दिए हुए हैं, तो इन पैड को जो आप शॉर्ट करोगे, जिस पैड को आप शॉर्ट करेंगे वही आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। बाय डिफॉल्ट इसका जो वोल्टेज होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट 1.25 है, 1.25 वोल्ट है। मतलब आप कोई भी पिन शॉर्ट नहीं करोगे, कोई भी पैड यदि आप शॉर्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1.25 वोल्ट मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट का हमारा रेगुलेटर खराब हो चुका है। तो इनपुट इसको मैंने 12 वोल्ट दे दिया है और आउटपुट वाला जो कॉइल लगा हुआ है तो वहाँ से आउटपुट वाले वायर, यहाँ से एक वायर सोल्डिंग करनी है और आपको इसकी कॉइल पर ज्वाइंट कर देना है। और इसके अलावा आपको ये वाला पैड यानी 5 वोल्ट चाहिए, तो कौन सा पैड शॉर्ट करेंगे, 5 वोल्ट वाला। यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से एक पॉइंट आइन दोनों को शॉर्ट कर देना है। यदि आप 5 वोल्ट वाला शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट में कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। यदि आप 3 पॉइंट वाला रेगुलेटर खराब हो गया है तो 12 वोल्ट ही इनपुट रहने तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप 3 वोल्ट वाला पैड शॉर्ट कर देना है, लेकिन फिर कॉइल आपको, मतलब जहाँ पर 3 वोल्ट आपको देनी है वहाँ पर ये वाली वायर आपको लगानी होगी। तो अभी हमने कहाँ पर इसको यूज किया था, 5 वोल्ट वाले रेगुलेटर की जगह पर। समझ में आया, ठीक है। हमने इसको 12 वोल्ट दे दिया इनपुट, 5 पिन वाले जो हमारा 5 पिन जो बोल्ट है हमारा, तो 5 वोल्ट वाले पैड को हमने शॉर्ट कर दिया। आउटपुट में जो हमने तार लगाया था वो जाके 5 वोल्ट वाली कॉइल पे हमें लगा देना है, तो 5 वोल्ट रेगुलेटर हमारा काम करने लगेगा। यदि हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर हमारा काम कर रहा है लेकिन 3 पॉइंट वाला रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, 3 वोल्ट वाला रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, तो इनपुट इसको देखिए आप 12 वोल्ट भी दे सकते हो। 5 वोल्ट वाला चल रहा था, 5 वोल्ट वाले से भी इंसर्ट कर सकते हो, कि दोनों ऑप्शन मिल गए ना हमारे। यदि 5 वोल्ट वाला केबल काम ना करता तो इसमें तो हमें 12 वोल्ट ही देना पड़ेगा, लेकिन ये वाला काम कर रहा है लेकिन 3 वोल्ट वाला रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, 5 वोल्ट भी इनपुट दे सकते हो या फिर 12 वोल्ट भी इनपुट दे सकते हो। मतलब ये वाला जो तार है, ये वाली जो हमारे इनपुट वाला जो पॉइंट है प्लस वाला, यदि आपको 3 वोल्ट वाला रेगुलेटर कोई ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में, तो ये वाला जो यहाँ से इनपुट भी दे सकते हो आप, क्योंकि ये 5 पिन वाला हमारा जो 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर तो काम कर रहा है, यदि काम कर रहा है तब, ठीक है। यदि आप यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है, तब भी काम करेगा, ठीक है। अब 3 वोल्ट जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर आप इसे आउटपुट वाली लाइन को वहां पर ज्वाइन कर देना। लेकिन जब भी आप ये रेगुलेटर आप लगाओगे, बक कन्वर्टर लगाओगे, उसकी आईसी को बोर्ड से रिमूव कर देना है। तो इसी तरह से एक रेगुलेटर और आता है, ये हमारा रेगुलेटर है, तो ये 2596 के, LM2596 के नाम से जानते हैं ये। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है कि इसको भी हमें इनपुट वही वोल्टेज देना, लेकिन
ये सब बोर्ड पे लगाने से पहले ऑन कर यहाँ पर वोल्टेज आपको सेट करना पड़ेगा। मीटर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है प्लस और माइनस पे। यहाँ देखिए एक वेरिएबल लगा हुआ है, इसको आप वेरी करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा होगी। मान लीजिए जो भी रेगुलेटर आपका ख़राब हो गया है, या फिर 1.2 वाला ख़राब हो गया है, या फिर 1.8 वाला ख़राब हो गया है, या 3.3 वोल्ट वाला ख़राब हो गया है, तो उतना मीटर आपको लगा के 3 वोल्ट पर आपको सेट कर देना है। जिस कॉइल पर आपको वोल्टेज मिल रही थी वहाँ पर आपको कनेक्शन कर देना है। अब ये देखिए, अब जैसे ये आपने 10 पीस आपने मार्केट से खरीद लिए है, हमारी 6 पिन वाली आईसी आपको नहीं मिली, इसके लिए बार बार मार्केट जाना पड़ेगा, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, तो बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये तो मल्टी है, आप किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये आपका लैपटॉप में भी लग जाता है ये हमारे, ठीक है। लैपटॉप में जैसे कि 3-5 के रेगुलेटर होते हैं, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हो, रैम की सप्लाई पर भी आप इसे लगा सकते हो। ये मल्टीपल यूज है, मल्टीपल यूज है, हम इसे लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, एलईडी टीवी के बोर्ड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने कोई भी एलईडी टीवी में हम बक कन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो वोल्टेज हमें इनपुट देनी है वो बोर्ड पर हमें कहाँ पर मिल रही है। तो ये हमारे रेगुलेटर है, जहाँ जहाँ पर हमारी जितनी वोल्टेज ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पर, कहीं में 3 पिन का रेगुलेटर लगा होता है, कहीं में आजकल ज़्यादातर आईसी आ रही है 8 पिन वाली, वो 5 वोल्ट लेने के बाद 1.8 सप्लाई बनाएगी और 3.3 वोल्ट सप्लाई बनाएगी, और ये जिसको जो नीड है उस सप्लाई को प्रोवाइड कर देगा। तो ये कॉमन वोल्टेज है जो ज़्यादातर हर बोर्ड में टीवी के आपको मिलेगा, जैसे 1.23, इसके जगह कई बार 1.1 वोल्ट भी आती है, 3 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 3.3 वोल्ट हमारी, ठीक है। थैंक यू।